अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड रोज़ार्स। कैसे हैं आप सब? खुश हैं, ठीक हैं? तो जी ये लीजिए, ये है हमारा डिनर का टाइम। तो रात का वक्त है तो मैंने बनाए हैं चावल आज रात के टाइम में डिनर में। तो ये देखिए आप, मैंने ये चावल बनाए हैं। और इसके अलावा जो है ये किचन में, मैं अब जो है वो बाहर निकली हूँ। अब देखिए कि किचन में क्या हो रहा है। यहाँ पे अंश भी खड़े हैं और अंश के अब्बू जो है वो कुछ बिल्लियों के लिए लेके आए हैं चिचड़े वगैरह। तो बिल्ली जो है वो भिन-भिना रही हैं, जैसे भिन-भिना तो मक्खियाँ रही हैं। बिल्ली को पता नहीं क्या करते हैं, मूंढ ला रही हैं या कुछ ऐसे ही इधर उधर फिर रही हैं, जैसे उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। और ये रहा अंश, अंश से भी आप मिलिए और ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ चिचड़े। बस यहाँ से जो है वो मिल जाते हैं चिचड़े। तो अंश के अब्बू जो है वो रोज़ाना शाम को जाकर बिल्लियों के लिए चिचड़े ले आते हैं, क्योंकि शाम के वक्त जो है वो बिल्लियाँ इंतज़ार में होते हैं जैसे कि उन्हें मिल जाए चिचड़े। उन्हें आदत हो गई है, अब जैसे ही शेरी लौटते हैं तो वो 3-4 बिल्लियाँ इसके पीछे पीछे होते हैं। तो अभी जो है वो टुकड़े कर रहे हैं चिचड़ों को, क्योंकि ये बिल्ली के जो बच्चे हैं वो खा नहीं सकते हैं इतने बड़े बड़े टुकड़े। तो अभी जो है वो उसको छोटे छोटे करके दे देंगे। इसके अलावा जो बाहर की बिल्लियाँ हैं उन्हें भी देते हैं। तो अब जो है ये देखिए आप, और जी अब अंश जो है उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब जो है ना इससे बर्दाश्त नहीं होगा, भागने लगा है। बिल्ली रुसाओ तो हो ना चुपा के उससे, हर बर्तन से आप खाना है खुशी। गर्मी से खाना है, गर्मी से खाना ना बोला पर बंद खाएंगे तो खोली छः बिगने गर्मी क्या करना। तो जी अंश जो है वो भाग कर आया और फ़ौरन से जो है वो फ़ैन को ऑन कर दिया, क्योंकि गर्मी इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और अब जो है बैठ कर पानी पीने लगा है। टीवी देखिन दो, टीवी देखिन दो जी, रवना ही मैं जाऊँ। तो जी ये हमारी बड़ी वाली बिल्ली है नीलो, और जो ऐना है वो हमारी जो है सही से नहीं खा सकती है, बीमार है। और जी ये देखें, यहाँ पे आंखें जो हैं रोशन हो रही हैं, देखती हैं कौन सी बिल्ली है जी। तो मैं आपको एक और बिल्ली दिखाती हूँ, ब्लैक कलर की काली बिल्ली, जो कि रोज़ाना दीवार पे आके बैठ जाती है और उनकी आंखें जो हैं वो हमेशा से रोशन हुई रहती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ काली बिल्ली, ये देखें आप दीवार पे बैठी हुई है जिसकी आंखें रोशन हैं, चमक रही हैं। तो कहते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो बदहवासी होती है, दिन जो है वो बुरा गुजरता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? वैसे ये बात सच नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। हमें अच्छी उम्मीदें लगानी चाहिए अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये देखें आप, मैंने निकाल दी है बिरयानी और अब जो है अब कुछ पेट पूजा करते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी तो जो है हमने बिल्लियों को डिनर करवाया, अब हम खुद भी करेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड जो है वो टिक्कियाँ वगैरह ले आए हैं सलाद के साथ, रायता सलाद और टिक्कियाँ। तो ये भी जो है वो मैं लेके जा रही हूँ और इंजॉय करते हैं डिनर माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अल्लाह ताला ने जिसकी बेशुमार नेमतें हैं, जिसने हम पे अपना फजल किया है, उन्हें अपनी नेमतों से नवाजा है। और साथ ही साथ हम मूवी भी देखते चले जाएँगे। कौन सी मूवी है इसका नाम मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं किया हमने। और अंश का काम यही है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो अंश हमें पानी देता है, और जैसे हम खाना खा कंप्लीट कर देते हैं तो अंश जो है वो सारे बर्तन किचन में पहुंचा देता है। और अचानक से चीखने की आवाज़ें, खैर है खैर है, बस कुछ भी नहीं है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, तो मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।